understanding gender and their relationship. So before starting the topic, I want to ask from you all, what is the meaning of gender? What do you know about gender? Can you please tell me, according to you, what is gender? Anyone? It is basically when we specify between a female and a male. That is related to gender. Anyone else? क्या होगा जेंडर अकॉर्डिंग टू यू आप बताइए कोई भी अभय सर जेंडर एक्चुअली जेंडर इज ए सोशल कॉन्सेप्ट आई थिंक नॉट क्रिएटेड बाय गॉड इट इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी दैट दीज टास्क आर रिलेटेड टू फीमेल दीज आर टू मेल सो जेंडर इज ए सोशल बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्सेप्ट बेसिकली what we do, we generally categorize people. When we talk about gender, we say male and female. These male and female, they are considered as gender. But actually, it is socially constructed. Okay, it is constructed by the society. When we divide the roles of male and female, okay, according to the norms and characteristics of the society, so that is called as gender. उसे हम gender कहेंगे. So here you can see gender refers to the characteristics of women, men, girls and boys that are socially constructed. So it is constructed socially. सामाजिक लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं कि लड़के के लड़कों के लिए हम क्या करते हैं एक टास्क उसके जो काम है उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं एंड लड़कियों के लिए भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं अपने आस पास घर में भी हम देखते हैं कि घर का जो काम होता है झाड़ू लगाना बर्तन मांझना ये सारी चीजें कौन करते हैं मेल पर्सन करते हैं या फिर फीमेल फीमेल तो फीमेल को हम जनरली हम उसको कैटेगराइज कर दिए हैं कि जो घर की जो हाउस होल्ड काम है वो फीमेल करेंगी और जो मेल होते हैं मेल को क्या है जैसे बाहर का सामान लाना ओके जॉब करना तो इस तरह से चीजें हम क्या बाहर की जितनी भी चीजें होती है जनरली हम मेल को वो हम प्रेफरेंस देते हैं लड़कियों को हम कहते हैं कि नहीं अभी तुम मत जाओ जो घर में अगर भाई है तो जनरली हम उसे ही भेजते हैं कि सारी जो चीजें हैं बाहर से लाने के लिए वो जाके खुद ला सके तो ये बेसिकली क्या है यहाँ ये इसी को हम जेंडर कहते हैं जेंडर ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है मीन सामाजिक तौर पे हम लोगों को बांट दिए हैं मेल और फीमेल को ठीक है बहुत सारे रोल्स हैं और जैसे एक एग्जांपल दे देंगे जैसे दो अदर कलर्स हैं पिंक एंड ब्लू सो दीज आर द टू कलर्स आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ दीज टू कलर्स तो बेसिकली अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं कोई छोटी बच्ची है तो जनरली हम उसके लिए क्या कौन सा कलर प्रेफरेंस हम देंगे ब्लू और पिंक पिंक बेसिक हम क्या कहते हैं पिंक क्या है डोंट गो फॉर ब्लू बिकॉज पिंक इज पिंक इट्स अ गर्लिश कलर तो इस पिंक को हम क्या कर दिए आइडेंटिफाई कर दिए नाम दे दिए एज अ गर्लिश कलर ठीक है तो ये एक तरह का क्या है ये हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए और बॉयज को भी हम क्या कर देते हैं ब्लू है तो ब्लू ब्लैक इस तरह के कलर्स हम क्या करते हैं जनरली बॉयज को हम प्रेफरेंस देते हैं ठीक है तो ये हमारा पहला पार्ट है जेंडर का तो ये जेंडर में आता है सेकेंडली हम यहाँ देखेंगे इट इंक्लूड्स नॉर्म्स बिहेवियर रोल्स एसोसिएटेड विद बीइंग अ वुमन मैन गर्ल्स एंड बॉयज एज वेल एज रिलेशनशिप विद ईच अदर ओके सो जेंडर सेंसिटिव सो वी हैव सीन नाउ आई हैव गिवन द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आर द डिस्पैरिटीज वी सी ओके जेंडर डिस्पैरिटीज रोल ऑफ मेल एंड फीमेल वी हैव डिवाइडेड देयर रोल्स ओके सो these roles we need to be a bit sensitive we need to be a bit sensitive toward the gender okay how we can be sensitive so before going through that we need to know the definition what gender sensitivity means so the act of being sensitive to the way people thinks about gender we need to be very sensitive when we are talking about gender we need to be very sensitive
वायलेंस कैन बी इन मेनी फॉर्म्स, अ फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, किसी भी तरह वो वायलेंस करेंगे अगर वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा वो अग्रेसिव होने लगेंगे, हर चीज में वो चिल्ला के बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको हम सेग्रीगेट कर दिए हैं, एक्सप्रेस करने के लिए नहीं दे रहे. सेकेंडली दे इट लीड्स टू लो स्टीम, वो खुद के अंदर दे विल नॉट एबल टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ, उनके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगी, लो स्टीम, चीजों में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको हेजिटेशन होगी, कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्डअप नहीं हो पाएगी. थर्ड वन, क्रिएट अ इमेज ऑफ डिफेक्टिव, दे विल फाइंड समथिंग नेगेटिविटी इन देमसेल्फ, वो खुद के अंदर कुछ कुछ खामियां खोजना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है. थर्ड, हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, सो स्टूडेंट दे विल नॉट एबल टू डेवलप प्रॉपरली. If they are not able to express themselves, then what will happen? They will not able to progress, they will not able to develop themselves. Then can lead to children scared for rest of their lives. Ab unko kya hoga? Bacche dar jayenge khud se. Ek dar ka mahol rahe, unke andar reh rahe, dil mein unke dar rahega. Un cheezon ko ek fear har cheez ke liye rahega. Stage fear jaise aa jata hai. Theek hai? To isliye we should encourage them. बच्चों को हमेशा इंकरेज करना चाहिए, स्पेशली फीमेल चाइल्ड, क्योंकि उनको उस तरह से माहौल नहीं मिलता है. जनरली वी इंकरेज द बॉयज इन मेनी फील्ड, तो वी नीड टू इंकरेज द फीमेल चाइल्ड. मेनी एग्जांपल्स आर देयर, वन एग्जांपल आई टेल यू, लाइक रोड कंस्ट्रक्शन होती है, तो सपोज इस एरिया में अगर रोड बन रही है तो वहां कॉशन के तौर पर क्या लिखा रहता है, मैन एट वर्क. क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है फीमेल वुमेन एट वर्क, नहीं होता है. वो क्या लिखे रहता है, मेन एट वर्क, दो द फीमेल वर्कर्स आर आल्सो देयर, द लेबरर्स आर आल्सो देयर, बट व्हाट वी से, वी जनरली वी नोटिफाई दिस वन, मेन एट वर्क. सो दिस मेंटालिटी, दिस थिंकिंग नीड टू बी नीड्स अ चेंजेस, ओके, दिस नीड टू बी चेंज. नेक्स्ट स्लाइड, सो दिस वन इज द एग्जाम्पल, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड And for cleaning your room, here a little something for you for your hard work. Okay, so first one, the that woman is giving some penny to a boy. Okay, then second work, second picture you will see that woman is also giving penny to a girl. Okay, so there the two boys, the two children, they were discussing. No fair, not no fair. You got paid more. Okay. लड़के जो थे उसे क्या हो गया, उसे ज्यादा पैसा मिला. सो देन द बॉय व्हाट ही सेड, वेलकम टू लाइफ. ओके, सो व्हाई हियर द सेंटेंस, इट इज रिटन वेलकम टू लाइफ बिकॉज वी हैव सीन मेनी डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी. ओके, लाइक व्हाट, इन एनी जॉब सेक्टर यू विल फाइंड, यू विल सी देयर लाइक मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग, दे आर डूइंग द सेम जॉब, बट द मेल पर्सन दे आर गेटिंग मोर money, okay, they are getting more salaries as compared to female, okay, so this type of discrimination or inequality should be removed. Previous one, gender stereotype, so gender stereotype means what, humne ek dharna bana liya hai, the role of women and the role of men, is tarah se humne cheezon ki dharna bana li hai. In first picture you will see that one is a picture of a boy. So for boy, what we consider that he should do, he should opt science, mathematics, science ki subject, ठीक है, calculation में लड़कों को ज्यादा encourage किया जाता है. इसलिए अगर हम देखेंगे engineering की जो है, ठीक है, तो engineering में ज्यादा number of male ज्यादा होते हैं या number of female ज्यादा होती है, number of males, हाँ ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है, तो उनको इंकरेजमेंट उस तरह से, फीमेल चाइल्ड को उस तरह से इंकरेजमेंट नहीं देते, ठीक है. स्पोर्ट्स में हम किससे ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, बॉयज को. सेकेंडली, इन द सेकेंड पिक्चर यू विल सी, लड़कियों के लिए हमने क्या धारणा बना लिया है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पेंटिंग्स, सिंगिंग के लिए हम किसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लड़कियों को प्रेफरेंस देते हैं. तो इस तरह का एक क्या है, स्टीरियोटाइप जो है जो जेंडर में होती है, तो इस चीज से भी हमें बाहर निकल के सोचना चाहिए. सो नाउ वी टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जेंडर, हाउ वी कैन बी
to empowerment of girls. Second one, awareness toward gender issues. So whatever the issues they were facing, we should aware the students. बच्चों को हमें अवेयर करने चाहिए कि क्या क्या चीजें, किस तरह से जो इनइक्वालिटीज है उस चीज के बारे में उनको पता होगा, तब जाके चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, तब उसे जो जो बैरियर्स है, जो गैप है इनइक्वालिटीज का, वो उसको फुलफिल कर सकते हैं. थर्ड वन, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्पोर्ट. इफ देयर इज एनी स्पोर्ट्स इज कंडक्टिंग इन द स्कूल्स, देयर शुड बी इक्वल पार्टिसिपेशन. ऐसा नहीं है कि अगर बास्केटबॉल हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, तो बॉयज की नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉयज शुड बी मोर. क्रिकेट अगर है तो क्रिकेट में हम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बॉयज की टीम होनी चाहिए, जो लड़कियां हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो भी क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके. फोर्थ वन, एप्लीकेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी प्रिंसिपल इन द एकेडमिक प्रोसेस. इन एकेडमिक प्रोसेस देयर शुड बी एप्लीकेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी. जैसे पहले एग्जाम्पल क्या था, स्पोर्ट्स में दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम स्कूल में एड ऑन कर सकते हैं जिसकी वजह से इक्वालिटी शुड बी मेंटेन. फिफ्थ वन, पॉलिसीज एंड मैकेनिजम्स टू एड्रेस वायलेंस परपेट्रेटेड बाय टीचर्स एंड और स्टूडेंट. सो वी शुड अडॉप्ट अ लॉट ऑफ पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म थ्रू विच we can remove the inequalities. Teacher should not use harsh word toward the student. बच्चों को उस तरह से बोलना नहीं चाहिए कि ए लड़की ए लड़का, इस तरह का वर्ड हमें नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या है, उनको इनफीरियोरिटी ऐसा कुछ फीलिंग ना आ सके. लास्ट वन, encouragement to girls to bring out their full academic potential in all subjects, particularly in science and mathematics. So we should encourage the student, the girls students mainly, to participate, to indulge themselves in science and mathematics. क्योंकि जनरली क्या होता है, लड़कियां कुछ ही सब्जेक्ट से ही कन्फाइंड रह जाती हैं, तो हमें इंकरेज करना चाहिए साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में इंपॉर्टेंस उसे ज्यादा बताना चाहिए, ताकि वो क्या हो सके, वो इंकरेज हो सके. अगर वो ज्यादा साइंस और मैथमेटिक्स ऑफ करेंगे, तो माइट बी द नंबर ऑफ परसेंटेज इंजीनियर स्टूडेंट्स विल इंक्रीज, द फीमेल परसेंटेज विल इंक्रीज. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सो जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम, हाउ वी कैन मेक अ जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम. किस तरह से जेंडर सेंसिटिविटी वी कैन मेंटेन इन द क्लासरूम, एज अ टीचर, एज अ क्लास टीचर, व्हाट वी कैन डू. टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, टीचर शुड इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स. ओके, सो इफ द टीचर विल इंटरैक्ट, मे बी द स्टूडेंट्स दे विल एक्सप्रेस देयर व्यूज, वॉट एवर द ग्रीवेंसेस दे आर फेसिंग दे विल से. सेकेंड, स्टूडेंट पीयर इंटरैक्शन, स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट मीन्स they should also interact with their students. ऐसे नहीं है कि लड़के सिर्फ लड़कों से बात करें, लड़के सिर्फ लड़के से. तो जब वो एक दूसरे से बात करेंगे, तो they feel comfortable. जो एक डर है, जो inferiorities है, inequalities है, वो क्या होगी, कम होगी. Then classroom environment, organization and activities. So teacher should organize some kind of activities where both the student, boy student and the girl student, they can participate, they can interact with each other. रोल मॉडल्स, ओके, वी कैन टेल देम अबाउट द रोल मॉडल्स. बहुत सारे रोल मॉडल्स के बारे में हम बता सकते हैं, जहाँ पर जैसे जनरली हम हिस्ट्री में हम लोग आज तक बहुत सारे बारे में हम लोग पढ़ा है, मुगल्स के बारे में पढ़ी है, जितने भी इंडियन डिनेस्टीज है, मौर्य साम्राज्य है, सारे के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े, ठीक है, सब एक जितने भी जो रूलर्स है उसका नाम हमें पता, अशोका का पता है, अकबर का पता है, लेकिन क्या है, इस तरह से हमारे करिकुलम में भी जो फीमेल लीडर्स हैं उनके बारे में क्या है, हमें बताना चाहिए बच्चों को, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में. एंड शुड ऑल्सो टेल देम दैट इन आवर कंट्री इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर देयर हैविंग बोथ, द फर्स्ट कंट्री वेयर देयर हैविंग इट हैड अ फीमेल प्रेसिडेंट ऑल्सो एंड अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर, सो दैट दे विल गेट इनकरेज, द गर्ल्स दे विल गेट इनकरेज ओवर देयर. देन पॉलिसीज, करिकुलम, टेक्स्ट बुक, जितने भी करिकुलम है टेक्स्ट बुक में भी हमें क्या है, इस चीज के बारे में बतानी चाहिए, जेंडर के बारे में बच्चों को अवेयर करनी चाहिए. अचीवमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, सो वॉट वुड बी आर अचीवमेंट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस. आर बॉयज एंड गर्ल इनकरेज टू टेक और अचीव इन ऑल सब्जेक्ट इक्वली, और आर बॉयज इनकरेज टू टेक सर्टेन सब्जेक्ट एंड गर्ल्स अदर. तो क्या हमें बच्चों को सब सब्जेक्ट में, चाहे वो लड़की है या लड़की है, गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन टू टेक इंटरेस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट, या फिर हमें बाइफर्केट कर देना चाहिए, लड़कों को ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और लड़कियां सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाए.
क्या हम कर सकते हैं? वी शुड एनकरेज देम दैट दे शुड टेक पार्ट इन ऑल द सब्जेक्ट दे कैन ऑल व्हाटएवर द सब्जेक्ट दे वांट. नेक्स्ट स्लाइड. ओके सो गो दिस पिक्चर यू विल सी द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल ओवर देयर. ओके फुटबॉल ओनली फॉर बॉयज, फुटबॉल ओनली फॉर गर्ल्स और इट शुड बी फॉर ऑल. It should not be confined with boys only. It should not be confined with girls only. It should be for all. See, next slide. So, giving class in gender sensitive. How we can win? Till now, I have talked about you, about your how, what are the gender sensitivity in the classroom. But now, how we can make it? So, what we can do? Give similar duties for male and female. Example, cleaning, moving furniture. Okay? Both male and female, what do we have? एक इक्वली देखना चाहिए और जो भी हमसे टास्क देख रहे हैं सिमिलर समझ में. जनरली हमें क्या होता है अगर एक पोडियम है या फिर डेस्क रखा होता है तो जनरली whom we call the male child come and drag this one. ओके वी शुड नॉट डू दिस. वी शुड ऑल्सो कॉल दैट गर्ल चाइल्ड ऑल्सो. ओके देन क्लीनिंग, अगर क्लीनिंग हो रही है क्लास की तो बोथ दे शुड पार्टिसिपेट इक्वली. देन इनकरेज बोथ मेल एंड फीमेल्स टू बी क्लास लीडर्स. Okay, so they can, we can use one boy as a leader, prefect for the class. Ek boy hona chahiye and ek kya honi chahiye? Girl honi chahiye. Then address and call and girls and boys equally. Equally hume kya karna chahiye? Unko call karna chahiye. If something is discussion is going on in the class, agar teacher board work kara rahe hain. Okay, so agar answer ke liye agar wo ek boys ko call out karni hai, then they should also call out one girl. तो इस तरह से क्या होगा, इक्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी क्लास में. देन इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गो टू द चॉक बोर्ड ड्यूरिंग अ सेशन ड्यूरिंग अ लेसन. अगर लेसन हो रहा है तो चॉक बोर्ड भी दे आर यूजिंग, दे शुड गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी. डू नॉट सेग्रीगेट बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम. वी शुड नॉट सेग्रीगेट. अलग करके ऐसा नहीं कि एक एरिया में सिर्फ बॉयज बैठेंगे, एक एरिया में सिर्फ गर्ल्स बैठेंगे. इस तरह की चीजें, कॉन्सेप्ट को हमें नहीं आना चाहिए. ओके क्या है, क्योंकि क्या है, वी शुड वॉट वी कैन डू. देखिए छोटे बच्चों के लिए ये करना सही कर सकते हैं हम कि एक बेंच में एक गर्ल और एक बॉयज कर सकते हैं. लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जा रहे हैं, जब वो हायर क्लासेस में जा रहे हैं 9-10 के लिए, तो ये चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. वी कैन नॉट बिकॉज वी नो वेदर मेन सिचुएशन कैन अराइज इज सो वी कैन नॉट अलाउ देम टू सिट इन द सिंगल बेंच. सो वॉट वी कैन डू, वी कैन यूज अ सिंगल चेयर लाइक दिस. ओके वी कैन यूज सिंगल चेयर लाइक दिस सो दैट वी कैन नॉट we should not, we cannot segregate the boys and girls. Then make mixed group for group activities and games. जो भी group activities हो रही है mixed group होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, लड़के की participation हो लड़कियां भी हो उसमें. Make special effort to direct questions at girls and other shy children. तो we should make special effort for girls so they can answer. Generally लड़कियां answer नहीं करती हैं तो उन्हें हम क्या, उनके लिए एफर्ट हमें डालना चाहिए, स्पेशल एफर्ट डालना चाहिए जिससे वो आंसर कर सके. एंड वी शुड ऑल्सो कंसिडर द शाई चिल्ड्रन. जो भी शाय है, शर्माते हैं, बोलते नहीं है, तो उन बच्चों को भी चांस देना चाहिए. प्लान एंड कंडक्ट एक्टिविटीज दैट गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्टिंग वन अनदर एज इक्वल. सो इस तरह से एक्टिविटी वी नीड टू प्लान दैट जितने भी ये बच्चे हैं उनको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. जेंडर सेंसिटिव पेडोगॉजी, हम अपनी पेडोगॉजी में किस तरह से हम जेंडर सेंसिटिव को अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन यू कैन सी यूजिंग जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज. वी शुड यूज अ लैंग्वेज प्रॉपरली व्हाइल इन द क्लास और इन द स्कूल. देन स्टोरी टेलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, स्टोरी टेलिंग बता सकते हैं उसके बारे में. देन ग्रुप एंड पैनल डिस्कशन, देयर शुड बी अ डिस्कशन बिटवीन देम. नैरेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग एनेक्डोट्स, रियल लाइफ इंसिडेंट, रिपोर्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर. तो बहुत सारे जो रियल लाइफ जो इंसिडेंट्स होती है, बहुत जहाँ ज्यादा फीमेल को जहाँ इंकरेजमेंट मिल रही है, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें बता सकते हैं. देन एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल इवेंट, कोटेशन मैसेजेस, फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट. बहुत सारे फिलोसोफर एजुकेशनिस्ट है, फीमेल एजुकेशनिस्ट फिलोसोफर है उनके बारे में. देन डिस्कशन ऑफ डिलेमास, क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वैल्यूज. सो वॉट एवर द डिलेमास दे आर फेसिंग वी शुड डिस्कस विद देम. देन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्विंग हाइपोथेटिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम. उनकी जो प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सके. वी कैन ऑल्सो क्लियर इट आउट. नेक्स्ट टाइम वी कैन ऑल्सो यूज जेंडर कार्ड्स. ओके जो भी इनइक्वालिटीज है, जो भी जो फियर्स है जो लड़कियां तो जनरली फेस करती हैं, सो टू रिमूव दैट वी कैन
का फर्स्ट वन वी कैन यूज ड्यूरिंग सेक्स, हाउ वी वेयर वी कैन यूज वेयर वी कैन डिस्कस विद देम इन सारी चीजों के बारे में अगर हमें अवेयरनेस करना है तो हम कब कर सकते हैं ड्यूरिंग अ सब्स्टिट्यूशन पीरियड इफ एनी टीचर गॉट द सब्स्टिट्यूशन पीरियड सो दैट टाइम दे कैन एक्सप्लेन अबाउट इट देन इन द मॉर्निंग असेंबली ऑल्सो वी कैन कंडक्ट दिस वन देन व्हाइल फिनिशिंग ऑफ द चैप्टर इफ सम टाइम लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर वी कैन डिस्कस दिस वन Toward the semester end, when the semester end that time for peer educator interaction and project in activities like role play, talks and discussion, dramas and activities we can also do. When school reopen, they can use as an icebreaker, can be used as energizer when students just do not want to study toward the end of the day. So to energize the student when they don't want to study, at the mostly kya hota hai bachche school jab khatam hone lagti last period mein they don't want to study. So that time to energize them, we can talk about these things with them. Next slide, ma'am. So see this gender sensitivity, it is also included in the NEP, okay, of 2020. So here you will see under curriculum integration, essential subjects, skills and capacity, gender sensitivity is mentioned. So abhi jo hamari 2022 education policy aayi hai, isme bhi is gender sensitivity ke bare mein baatein ki gayi hai. Then student will all be taught at a young age the importance of gender sensitivity. Next slide, ma'am. Okay, so let us, it means what effort we can do, how we can make it, okay, how we can bring the gender sensitivity in our school or in our classroom. It is through make our school gender sensitive, we can make the school gender sensitive. Then secondly, free our school from gender disparities. Whatever disparities we are facing in our school, we can free it. We can remove it. We should try to remove it. And ensure gender equality in the school. We should try to make the gender equality in the school. Next one. So learning outcomes of this session, what we have learned from this session. First one, awareness about the different terms related to gender relationship. Then integration of the activities, pedagogies to create gender sensitive classroom. Use of gender sensitive language in the school. Classroom, use of teaching aids, lesson plan and promote the healthy gender relationship, importance of gender sensitivity as per NEP 2020. So last, this is a quotation by Nelson Mandela, that is, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So as an educator, what we should oath, what we can do, we can change the world. How we can change the world? By educating them. Okay, as we all know, school is the second home of the student. So as an educator, it is our duty to aware the students regarding this. So this is the end of the session. Thank you, everyone. So teachers, you have any doubt or any questions regarding this session, then you may ask from our resource person, Ms. Shafak ma'am. I have a question. Shafak ma'am has elaborately highlighted the gender sensitivity and gender issue. But still our society, teachers, educational institutions, keeping on focus on the two genders, male and female. Yeah. They are still not thinking about the transgender. Yes. Now government is working on this direction and there are so many formats. We have seen, we have circulated in class 9th register. I think our vice chancellor made it that it was written in the format M, F, and D. Yes. M, F, and D. Male, female, transgender, public, transgender. So the society, as well as the educational institution, all educators, thinkers, this is the time has come to think about the transgender. Recently, a couple of years back, 3 years back, one transgender lady was made a principal of a school or vice chancellor of a university. Then, from each and every corner, the opposition or the objection, but the management stood and at their decision. So, recent day challenges like that. And one athlete was removed from the
sports event by this issue. So these are the topics we already have been working on this, and so far now the picture is the situation that almost gender equality is there. Now this session NDA has allowed National Defense Academy, earlier it was male dominated, only men or boys, they were only given the opportunity to go for NDA, National Defense Academy. From this year, this session, the girls are also allowed. So gradually we are moving in this direction, and many others we have overcome by this thing. A recent example, one political leader has announced that 40% MLA tickets will be given or allowed to the fewer candidates. Thank you. Yes. Tapak ma'am, you said very well, but I want to say one thing. जैसे आपने बताया कि स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए, आपने स्कूल पे फोकस किया, तो फर्स्ट तो बच्चे का जो भी होता है वो घर होता है फर्स्ट स्कूल. तो मैं चाहती हूँ कि घर में भी मतलब मदर का जो मुझे ये बात सीखना स्टार्टिंग घर से होना चाहिए, और टीचर्स का भी ये ड्यूटी होना चाहिए कि पेरेंट्स में जो भी बुला के रखे और मदर्स या फादर्स को ये समझाएं कि पहले आप घर में ये स्टार्ट करो. जब बच्चे घर में वो चीज सीखेंगे छोटे से तो स्कूल में जल्दी कैच करेंगे जो भी हम लोग सिखा रहे हैं. और हम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, लेकिन घर में जो जो होम वाइफ है जो जॉब नहीं करती है वो भी बहुत काम करती है, लेकिन उनके काम को कोई भी ये नहीं मायने, या मतलब हस्बैंड का जो सैलरी है बहुत हस्बैंड है देते हैं बहुत है नहीं देते हैं. तो ये एक रूल या पॉलिसी बनना चाहिए कि जो हाउस वाइफ है उनको भी कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो काम कर रही है लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं. देखिए मैम ये क्या है जनरली, अब ये अगर स्कूल ऐसा प्रोग्राम चाहे तो टीचर अगर पेरेंट्स को अवेयर करें दे कैन कंडक्ट अ मीटिंग विद देम. सेकंड थिंग और क्या होता है, देखिए आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए. अब पहले क्या होते थे, पेरेंट्स बच्चों को बताते थे, अगर स्कूल से बच्चे क्या है अगर टीचर्स उन्हें बता रही है किसी चीज के बारे में तो दे गो देयर होम, दे टॉक विद देयर पेरेंट्स ऑल्सो. अगर कोई चीज गलत हो रही है तो एज अ स्टूडेंट अगर मैं भी अपने टाइम में कुछ मेरे घर में कुछ गलत हो रही है तो बच्चे क्या स्मार्ट है आजकल, वो पॉइंट आउट तुरंत कर देंगे कि पापा ये गलत है अब ये मत करिए. पहले जैसे मम्मियों के घर में उस तरह से वैल्यू नहीं किया जाता था, लेकिन बच्चे अब क्या है, बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता है, दे अवेयर, क्योंकि उनको अवेयरनेस है. तो स्कूल जैसे मैंने कहा ये हमारा सेकेंड होम है, अगर वो सिक्स वो स्कूल में वो टाइम स्पेंड करते हैं घर स्पेंड करते हैं तो घर स्कूल भी आके तो वो स्पेंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ जो चीजें सीख कर जाते हैं वो कहाँ अप्लाई करेंगे, वो अपने रियल लाइफ में वो घर जाके अप्लाई करेंगे सारी चीजें. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो डर से शायद नहीं बोल पाए, बहुत आप बोले ठीक है कि स्मार्ट है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाए, उनको लगा नहीं मम्मी डांट देगी पापा डांट देंगे. तो ये चीज होना चाहिए मतलब मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को भी इस चीज के लिए अवेयर करना चाहिए. मैम मालनी मैम यू वांट टू से समथिंग, टीचर्स एनी अदर क्वेश्चन, नो प्रवीण मैम हमारी मांगे प्रवीण So today's session is very nice. So I invite to principal sir, please say few lines on today's session. Sitting on my seat, I spoke something. So really, the session was very nice, and Safak ma'am has highlighted all these issues, the burning issues, the current issues, and thanks to NCRT people. They have also taken into account of this issue in the National Education Policy 2020. But it's right, we have taken this resolution right now. However, since very beginning, the country, like the civilization, like our country, they have been doing all these things, empowering their people. Still, some conservativeness is lying in the society, but
gradually it is overcoming, and the day will come when the gender disparity will not exist on this, not only in our country, but on this planet it will exist. I am sure about this. My MSc Master Degree, Session 1, 1981-83. Many of you have not took part in that. Yes, right? Yes. And my MSc subject was geology, Bhogar Sakura. The first time in our batch, two girls students were there. One was from Manipur, and one was from Ranchi. And they complete their field work along with our voice team. Now, many water, volume of water is flowing in our Ganga and Satluj. Time has changed. Imagine in those few days, they stayed outside of their home and will carry out the field work successfully. So there was not such feelings. Number two, I'm coming according to raised by Sarikama. The school are chosen of this kind of issues because school is a platform where teachers are educated first. Because school is a platform where 500 to 15,000 students are studying. So if you educate your class, if a class is comprises of 40 students, that means 40 into 80 plus their neighborhood count for 80 into 4. In this way, how much? 320 people you are educating. That's why all these topics are discussed in school. I remember I attended a workshop where workshop was nothing but all the handicraft things. The teachers had to perform Bhangra dance and the handicraft, the cane work, the arts work, and what you call the coloring of saris and bed sheets. What is it called in special terminology of this art? A rangin paani mein bhinga ke garam karke jo banate hain. Dyeing. Dyeing. All these we spent 15 days. And with it will continue another 1 week, but unfortunately at Surat, Gujarat, flag had broke out and some samples of Delhi also detected. That's why immediate from center it had been ordered that stop that workshop. We are attending this workshop at Chandigarh. So Chandigarh is nearby Delhi, so it was immediate stop and we come back to our own places. So that means that today point was raised, why the teachers are engaged in all these work. The resource person from Central Government of India, he asked, the lady was there, Mrs. Acharya. So she said that if we educate the teachers, that means we are educating the society. The main thing was, I'm directing from the but I think that you should, I pass on this message to you. Suppose when you are a market, now the mall culture is prevailing, right? We never do the bargain, do we? No. We see the price tag, we see the discount. In big bazaar, there are occasions they offer the discounts. In many, suppose in now Woodland, there are 40% discounts. So we see that those offers and we rush to that shop and shopping. But when we are going to Potter's to buy a earthly pot, it is like this. And that poor chap is compelled to sell you at 7 rupees. Or the rupee amount. This was the theme. आप अगर खुद से ये बनाए, हम लोग भी बनाए इस workshop में. अगर खुद से मिट्टी का बर्तन बनाएंगे, बनाएं मतलब हम लोग उससे जैसे हुआ उसका exhibition होगा. तो जैसे भी बनाएं, लेकिन उस काम का जैसे मैम ने रेस की कि हाउसवाइफ के बारे में, होममेकर्स के बारे में, the same thing applies.
But madam, I contradict this thing. In lockdown period, all female member housemakers are sitting at them, and their husbands took place their housemaker's place. So this is exceptional. पर तो ये आप अपने हाथ से वो साड़ी को रंग करेंगे, कपड़ा को डाई करेंगे, कैन का फर्नीचर बनाएंगे, मिट्टी का बर्तन बनाएंगे, तब उसका वैल्यू समझेंगे। जब सोसाइटी वो वर्कशॉप अटेंड करके जब आ रहा है, व्हेन यू दिस थिंग ऑन दिस मैसेज टू योर स्टूडेंट्स, तो उसका वैल्यू समझेंगे। सब एक जो मिट्टी का खिलौना होता है, मिट्टी का खिलौना बनाने में कितना मेहनत होता है, बट उसको उसका कोई प्राइस नहीं, वैल्यू नहीं। वही एक आर्टिफिशियल फाइबर का खिलौना हो या मैकेनाइज्ड वाला हो, बैटरी से चलने वाला हो, जो बोलेंगे बच्चा का खुश करने के लिए पेरेंट्स दे बाय इट, दे गो फॉर इट। बट यहाँ हम लोग वो स्ट्रॉन्ग सजेशन मैडम ने बनाए, आई कोऑर्डिनेट इन दैट फैक्ट, हाउस मेकर्स का हाउस वाइफ का रिकमेंडेशन नहीं होता, बट इन फॉरेन कंट्रीज दे काउंट देयर वेजेस, जैसे कोई मंथली अगर किसी का 50,000 से इनकम है और एक जो हाउसवाइफ है उसका भी कैलकुलेट करते हैं, अगर उसके जगह कोई दूसरे काम करते हैं तो उसके ऊपर कितना वेजेज खर्च होता, तो इन दैट वे दे कैलकुलेट। तो इन आवर इंडिया तो धर्म मानती है, देवता या क्या बोलते हैं लाइक दैट, इट्स इन आवर कल्चर, तो दिस इज द आई थिंक टू सम एक्सटेंट आई एम एबल टू क्लियर सारिका मैम दैट दिस इज व्हाई द स्कूल हैज सिलेक्टेड, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है आप बच्चे को टीच करेंगे मैम नहीं बोली तो वो अपने पेरेंट्स को अपने नेबरहुड में ये मैसेज स्प्रेड करेंगे कि सपक मैम ने ऐसा बोली, सारिका मैम ने ऐसा बोली, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी पेरेंट्स का अगर स्मोकिंग का लाभ है तो बच्चे उसको रोकेगा, देखिए पैकेट में कुछ लिखा हुआ है पापा पढ़ के देखिए, मेरा मैम ने कहा है स्मोकिंग इज वेस्ट, तो पेरेंट्स हेल्प करेंगे थोड़ा सा एजुकेट करेंगे, तो दिस वे वी कैन स्प्रेड आवर मैसेज एंड एज ए होल आवर सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड एट एवरेज एंड अदर्स सुपरस्टिट्यूशन वी कैन रिमूव। नाउ द स्कूल हैज बीन चूजन और शायद हमारे यहाँ परसेंट नहीं मिल पा रहे हैं सोशल एवरेज को इरेडिएट करने के लिए, देयर आर सो मेनी एनजीओज आर वर्किंग ऑन इट, ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एन एनजीओ, इट्स ए साइंटिफिक रीजन बाय अप्लाइंग अ साइंटिफिक रीजन दे आर ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज that nothing in diet, etc., in superstitious thing, in galactical law, so this sort of thing. So now school, our school also, the day will come, where they will come to our school and they will demonstrate before the students about all these things. So now the awareness is coming up and what which mother here, आप भी बदल रहे हैं, हम लोग भी बदल रहे हैं, तो एवरीथिंग विल बी राइट, ठीक है। जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट में द जो लेडीज सीट लिखा रहता है उसको रिमूव करना, लेडीज फर्स्ट, ऑल इक्वालिटीज, ऑल इक्वालिटीज। सो थैंक यू फॉर दिस वर्ड एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Your session is very nice. Thank you for it. Next time is my turn. Yes. But okay. Okay, select the slides and then forward it to me. I'll put it on the committee. There are 68 slides, ma'am. No. Then we will sit together and analyze it. Okay. Okay, thank you, everyone.